अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और नई बेसिक सी रेसिपी लेके आए हैं जो आप झटपट से बना सकती हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान भी आए हैं तो आप उनको भी खिला सकती हैं और ख़ुद भी ये किसी भी टी टाइम में आप इसको बना के तो खा सकती हैं। और ज़रूर आपको ये पसंद आएगी, रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा देख के कि हम आज बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। तो आइए इनको शुरू करते हैं। जो तीन चीज़ें आपको हमें सबसे पहले चाहिए वो तो आलू, अंडे और ऑयल फ्राई के लिए। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। आइए, आलू के कबाब का मसाला तैयार करने के सबसे पहले ये हमारे 1 किलो आलू थे और इनको हमने जो है ना बॉयल करके रख लिया है। अब इसमें तमाम मसाले हम ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें नमक, उसके बाद आप इसमें सूखी मिर्च डालेंगे, ये हमारी 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून ही जो है वो गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन और ये ज़ीरा, थोड़ा सा आप इसमें धनिया डालेंगे और बारीक सब्ज मिर्ची कुटी हुई। ये सारे मसाले आपने इसमें डाल देने हैं और जो मैंने नहीं बोले वो आपने 1 टेबलस्पून मसाले डाले। तो अब हम इनको अच्छे से इनका मसाला तैयार करेंगे, इनको मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारे आलू अच्छी तरह से इनका मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इनको कबाब की शक्ल देंगे। कबाब आप क्रॉकेट्स की शक्ल में भी बना सकते हैं और आप सिंपल जो है वो गोल शक्ल भी इनको दे सकते हैं। ये मैंने इनके साथ आपके लिए ये गोल शक्ल दी है और एक मैं आपको क्रॉकेट्स की शक्ल का बना के दिखाती हूँ। बस हल्के हाथ से आपने इसको करना है और मसाला भी आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं किया, हमने थोड़े से चंक्स रखे हैं। चंक्स जब आप खाएंगे तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह हमने करते हुए सारे मसाले का जो है ना वो हमने कबाब बना के रख लेने। तो व्यूअर्स, ये हमारे सारे मसाले के जो है ना वो हमने कबाब बना के रख लिए हैं। इसके साथ ये 2 अंडे थे जिनको हमने अच्छे से बीट कर लिया है और इतनी ही देर में साथ हमने यहाँ पर तवे के ऊपर इनको हमने शैलो फ्राई करना है। आप इसके लिए कोई नॉन स्टिक फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में है। मैंने इसके लिए तवा यूज़ किया है, जल्दी हो जाएगा। जस्ट आपने इसको अंडे में डिप करना है और आराम से इनको रखना है। ध्यान करिएगा कि आप इसको आराम से रखें, ये ना हो कि जो है ये छींटे उड़े और आज से आप हाथ वगैरह भी जल सकता है। दोनों साइड हमने इनकी गोल्डन ब्राउन होते हुए करनी है। एक हमारी हो गई थी गोल्डन ब्राउन और अब हम इस दूसरी साइड करेंगे गोल्डन ब्राउन। और इसके बाद जब ये जैसी गोल्डन ब्राउन हो आप इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है दूसरी साइड से भी और अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्रॉकेट्स को भी जो है वो फ्राई कर लेना है और दोनों साइड्स उन्हें भी गोल्डन करके आप निकाल लेंगे। अगर आपके पास घर में ब्रेड क्रम्स मौजूद हों तो आप इनको वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा के फ्राई करें, इससे ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये हमारे तैयार हो चुके हैं आलू के कबाब। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमने गोडाउन वाले कबाब थे और ये सब क्रॉकेट्स फ्राई किए थे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।